अभी मैं आपके सामने कॉल दे रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल सामने है और टारगेट, और वो देख लीजिए कैसे दे रहे हैं। जो आपको स्ट्रेटजी दिया हूँ उसी पे दे रहा हूँ, है ना? कॉल कैसे बनती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कॉल एग्जैक्टली जो हमने दिया है एंट्री प्लान उसी पे दिया है, ठीक है? तो स्ट्राइक कौन सी ली? 650 की। क्यों ली? अब व्यूअर या जो नॉन लर्निंग पर्सन है क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मिस कर सकते हैं या थोड़ा सा इधर उधर आएगा तो काट के भाग सकते हैं। बट आप अगर भागोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि आपको तो वो सोर्स मैंने दे दिया है ना क्यों एंट्री प्लान कर रहे हैं। अब जब तक 85 ना क्लोज करे तब तक काटो मत। इमिडिएटली आएगा प्राइस और पक्का मूव दे के जाएगा, जो टारगेट प्लान्ड है वो टारगेट दे देगा। अब पहला टारगेट कितने पॉइंट का होता है? 30 पॉइंट का। अगर आपने 108 109 पे एंट्री किया या हाई 127 का लगा चुका है तो ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट टारगेट मिल गया है ना। दोबारा जब ये एंट्री करेगा, सपोज कीजिए कि इधर की तरफ नीचे आता है, तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर 95 एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको पता है 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है मात्र, ठीक है? 82-81 के करीब में अपना स्टॉप लॉस रखो। लॉजिक भी आपको बता दिया, एंट्री कैसे करना है वही बताया जो पहले बताया था, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक वो भी बताया। ये लाइव जो हमने कॉल जनरेट की अभी, ये वाली कॉल कैसे ब्लास्ट किए, सुपर ब्लास्ट, ये भी आपके सामने है ना। अभी इसने जो भी पुट में एंट्री की होगी इधर एक दो ग्रीन कैंडल देख के कल के ट्रेंड को याद करके, वो अभी क्या कर रहा होगा? या तो स्टॉप लॉस खा रहा होगा या तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा होगा कि एक बार यहाँ पे ला दो मैं एग्जिट कर लूँ, यही होता है ना नॉर्मली। बट वो आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है। आपने ट्रेंड को फॉलो किया, आपके पॉकेट में गेन है, बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं।